गांव वालों का कहना कि लाठीचार्ज भी करिए, कुछ लोगों को उठा के, क्या है मामला? आज गांव के तमाम हजारों की संख्या में लोग जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन देने गए थे और ये स्पष्ट करने गए थे कि जो लगातार यहाँ गोरखपुर विकास परिषद द्वारा जो कार्य हो रहा है उसको रोके, अन्यथा एक हफ्ते के अंदर हम आप हमारे जमीन को नाप रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर हम जिलाधिकारी आवास पे हम गांधीवादी तरीके से न मारपीट तो कर नहीं सकते, हम गांधीवादी तरीके से हम वहाँ धरने पे अनिश्चितकालीन धरने पे जाएंगे जब तक आप स्पष्ट आप हमारे पक्ष में कोई निर्णय नहीं लेते। उस के विरोध में प्रशासन द्वारा लखनऊ से हम लोग को जो सूचना मिली है निर्देशित किया गया है गाँव में घुसो, औरतों का कपड़ा फट, पुरुष सुरक्षा बल कभी सुने हैं औरतों पे लाठीचार्ज करते हुए? लाठीचार्ज हुआ है पूरे। दूसरी बात, गांव में घुस के गांव की गाड़ी मोटरसाइकिल है उनको निकाल के तोड़ देना, छोटे छोटे दुकान गुमती को तोड़ देना, गांव में घुस के निकाल के मारना, ये क्या दर्शा रहे हैं? तो कुछ गांव के लड़कों को पुलिस घर से पकड़ के ले गई है जबरदस्ती खींच के, इसका अब विरोध होगा। और अब ठीक है, आज देखना, अब हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं, अब देखना है कि कितनी पुलिस बल लगा सकते हैं। हम अब जेल जाने को तैयार हैं। धारा 144 लगी है, उसमें हमें परमिशन लेके गए, हम लोग परमिशन लेके गए थे। अच्छा। परमिशन हमारे पास था कि हम वहाँ पे ज्ञापन देने जाए। ज्ञापन देने में इतनी बड़ी तानाशाही हो गई, ब्रिटिश हुकूमत का पहली बार उत्तर गोरखपुर में ऐसी तानाशाही देखी जा रही है कि जो चाहेंगे शासन के विरोध में आप कुछ कह नहीं सकते, अपनी बात तक नहीं रख सकते हैं। हमारे गाँव की जबरदस्ती जमीन आप कब्जा करेंगे, 64 रुपये स्क्वायर फीट जहाँ 2500 बिक रही है, और भूमाफिया संगठन बनाते हैं, भूमाफिया सेल बनाते हैं, इनसे बड़ा भूमाफिया कौन है? ये खुद इनसे बड़ा भूमाफिया पूरे देश में कोई नहीं है।